टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, इट इज विद अ वेरी हैवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट, कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज प्लीज गो होम, गो बैक। खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो एक तबलीग करने वाला करेगा। तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है, ख्वातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। यू नो डेफिनेटली व्हिच कैटेगरी यू आर इन, आई मीन आई डोंट हैव टू स्पेल दैट आउट। और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं कभी, मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो इस, अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। बीइंग अ गेस्ट, यू आर अ गेस्ट, बट देन यू लिव विद इन द लिमिटेशंस, एंड एज अ गेस्ट शुड live and behave. एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। अब वो लड़कियों की बात होगी ना महरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। व्हाई दीस डबल स्टैंडर्ड्स? अगर आप यहाँ पे आके करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग तालियां बजाएं, तो लोग तो आपको जूते मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ज़ाकिर नाइक जब पाकिस्तान गया था तब ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि भाई अब तो जो है ना, क्योंकि ज़ाकिर नाइक जो है इंडिया का दुश्मन है, इंडिया से भागा हुआ है, मलेशिया में रह रहा है, तो उसके बाद तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान एक ऐसा माहौल सेट करेगा कि पूरी दुनिया के अंदर एंटी इंडिया एटमोसफियर क्रिएट होने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद वही सिचुएशन हुई कि भाई पाकिस्तान के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब आधा पाकिस्तान जो कह रहा था कि भाई ज़ाकिर नाइक को बुलाकर हमने गलती कर दी है। अब कैसे यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि अगर मान लीजिए ज़ाकिर नाइक यहाँ पर, कई सारे उसके स्टेटमेंट थे पाकिस्तान में जाकर, उसने ये कहा सबसे पहले कि अगर कोई लड़की बिना शादी के रह रही है तो उसका मतलब ये है कि वो बाजार औरत है। बाजार औरत शब्द जो है वो ठीक है, मतलब एक सभ्य समाज की निशानी है, ये इस टाइप के शब्द है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से अगर आप देखो तो उसमें बाजार औरत मतलब कि प्रोस्टिट्यूट होता है। उसके बाद उसने यहाँ पर एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई मर्द जो है, कोई पुरुष अगर किसी महिला को जो कि मेकअप करके बैठी है उसको अगर 15 मिनट देख रहा है और अगर उसके मन में कोई भाव नहीं जागता है, वासना भाव, तो उस पुरुष को दिखाना चाहिए कि क्योंकि उसकी उसको कोई किसी भी टाइप की तकलीफ चल रही है, वो बीमार है। मतलब उसका मतलब ये है कि वो उत्सुक होना ही चाहिए था। अब जरा सोचिए किस टाइप की भाई साहब मेंटालिटी। अच्छा हुआ ये चला गया, अच्छा हुआ उसकी स्पीचेस कम हो गई, अच्छा हुआ उसका जो टेलीकास्टिंग था वो कम हो गया है इंडिया के अंदर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं कभी, मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो इस, अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं, पहले ही हमारे हालात मतलब छोटी छोटी बातों पे, बल्कि किसी कोई बात होती भी नहीं है, लोगों की जानें चली जाती हैं, और अब इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों के सामने, वो कहेंगे भाई हमें तो वो साथ ये लगा दें कि मौलाना ज़ाकिर नाइक साहब ने हमें बता दिया, तो वो जब मौलाना लग जाता है तो फिर तो कुछ भी मतलब करें वो लेजिटिमेट हो जाता है। सर क्या करने के लिए बुलाया हूँ? देखिए जी, इसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज हैं। एक थेरी ये है जी कि मुल्की हालात चूँकि खासे अनस्टेबल थे, तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने उसे यहाँ बुला लिया है। दूसरा ये है कि कुछ वो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है जी कि चूंकि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तो इन्होंने इसको भी यहाँ बुला लिया है बैलेंसिंग एक्ट के लिए या कुछ थोड़ा सा। बहरहाल ये भी एक व्यू है। फिर कुछ का ख्याल है कि वैसे ही हमारे यहाँ ये एक काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है जी कि इमाम काबा को बुला लो या कोई मिस्री आलम है तो उसको बुला लो या कोई और कोई मौलवी है किसी मुल्क का उसको बुला लो, आके जनाब तकरीरें करे, अवाम को चूरन खिलाया जाए मज़हब का, ये भी एक यहाँ पे सिलसिला चल रहा है।
तो इन सब चीज़ों में से कुछ हो सकता है, तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसलिए इसको बुला लिया गया है ज़रा थोड़ा सा बताने के लिए भी कि हम एक आलम को बुला रहे हैं और वो आलम आके आपको इस्लाम सिखाएगा, तो वो अपनी एक तरह से ये अचीवमेंट भी समझते हैं ये लोग जो हैं। तो यानी ताहिरुल कादरी को भी तो इन्हीं लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल, ताहिरुल कादरी को इन लोगों ने प्रमोट किया था, जैद हामिद को हमारे इसी क्लास के लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल, और बाद में फिर वो और लोगों ने भी प्रमोट करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ लोगों को, खादिम हुसैन रिजवी को प्रमोट किया गया। बिल्कुल, टीएलपी वाले। हाँ जी, तो ये इन्होंने कहा जी कि अब इसको लाओ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, ये आके अपनी बातें लोगों को बताए। लेकिन मसला ये हुआ कि वो बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं अब। बिल्कुल, यानी ये ऐसा ही है कि जैसे एक जगह पे एक इज्तिमा हो और उसमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हों और उस पर जनाब मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हों और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हों, साइकियाट्रिस्ट भी हों और आपके बड़े बड़े सर्जन्स बैठे हों, न्यूरो सर्जन्स भी बैठे हुए हों, और वहाँ पे एक बंदा आके तो जो यूनानी तरीका इलाज है उस पे लेक्चर देना शुरू कर दे, ठीक है, या आयुर्वेदिक पे लेक्चर देना शुरू कर दे, या होम्योपैथी पे लेक्चर देना शुरू कर दे, तो उनके क्या तासुरात होंगे या क्या फील करेंगे वो यार। तो हमारे यहाँ अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े इनलाइटन हो चुके हैं, वो हालात और वाकयात को सही तनाजर में देखते हैं, समझते हैं। अब उनको आके अगर आप कहें कि 15 मिनट तक किसी लड़की को आप अगर देखें और आप में तहरीक पैदा ना हो तो आप किसी डॉक्टर को जाके अपना मुआयना कराएं, अब आप इस किस्म की बातें करें, या आप ये कहें कि जो औरत शादी नहीं करती वो बाजारी औरत है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात करें आप, या आप कहें जी कि पिया ये जो है ना ये तो बड़ी फजूल एयरलाइंस है, इसने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया। हाँ जी। अब ये बातें जो हैं, ये बातें अगर आप यहाँ पे आके करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग तालियां बजाएं, तो लोग तो आपको जूते मारेंगे। और अब मीडिया पे यही हो रहा है, हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है उनकी बातों से जी। और फिर जो लोग उनको एक तरीके से यानी उनके ऊपर तारीफ और तौसीफ के डोंगरे बरसा रहे हैं वो आप देख लें सोशल मीडिया पे जाके, तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो गई हैं, वो तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया सारा। ये तो ऐसी है जैसे कोई इंजेक्शन किसी को लगाए तो रिएक्शन हो जाए उसको, तो इन्होंने बिल्कुल और हमको एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, वो रिएक्शन हो गया। क्यों ना हो गया, चीजें बैकफायर हो रही हैं। बैकफायर हो गया बिल्कुल, अब तो मतलब डॉन न्यूज़पेपर उनका उनके एडिटोरियल्स आने लग गए हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बड़ी बड़ी स्टोरीज आ रही हैं इस हवाले से, और बाकी ओवरऑल मीडिया में इस हवाले से बातें हो रही। सोशल मीडिया जो आपने जिक्र किया वहां पे तो ऐसा लगता है कि अगर वो देखते होंगे, मुझे नहीं पता, वो तो क्योंकि बहुत सारी चीजों को आराम समझते हैं, पता नहीं ट्विटर शेटर देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि उसके हवाले से कुछ बोल, वो मेरा ख्याल है उनको अगर दिखा दी जाए ना तो वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस चले जाएंगे मलेशिया और दोबारा नहीं आई। दूसरा, एक कर्नल को और उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया है, कैसे देखते हैं ताड़ साहब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी अब बहुत बड़ी सतह मुतासर कर रही है। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को ये पूछना चाहूंगा कि आपका आपका आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पाकिस्तान को सेफ रखना, सिक्योर रखना, जो बाहर से आ रहे हो, अब आप दुनिया पे कितना अरसा ब्लेम करते रहेंगे, कभी कह देंगे CIA है, मुसाद है, रा है, अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग सुकून चाहते हैं। आप कभी TTP को पाकिस्तान के अंदर ला के आबाद करते हैं, कभी अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, कभी फलां कभी फलां, आप खुदा रहा इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास सलाहियत है, वरना अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर लें। मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी गलतियों को और कमजोरी को तस्लीम नहीं करते,
आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीमा साहब, आज का ब्लॉग में दो किस्म के लोगों के नाम करना चाहूंगा जो कि दहशतगर्दी के हवाले से ही है, जो कि इस 21st सेंचुरी में 2024 में इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। एक शख्स का नाम महबूब हुसैन है जो 26 अगस्त मूसा खेल बलूचिस्तान में 6 बच्चों का बाप लैया से तलक सिर्फ पंजाबी होने की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया है। दूसरा, मैं आज उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगा जिनको बांग्लादेश में उनके फेथ बेस यानी कि हिंदुओं को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी गलती क्या है? बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, वही जबान बोलते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके फेथ की सजा दी जा रही है 21st सेंचुरी के अंदर। 21st सेंचुरी तोहीन, इंसानियत की तोहीन है। 2024 के अंदर किसी को उसकी ओरिजिन, उसकी एथनिसिटी और उसके फेथ बेस के ऊपर अगर उसको मारा जाए, मेरे ख्याल में ये इंसानियत, ये एक बहुत बहुत बल्कि मैं यहाँ कहूँगा रोहिंग्या के अंदर भी है। रोहिंग्या मुसलमानों के हालात भी ठीक नहीं है आजकल नहीं, वहाँ पे भी एक इंसानियत सोज किस्म के वाकयात जो हैं वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, मैं आज अपने देखने वालों को 15 पॉइंट्स जो है, खासकर कुछ पाकिस्तान के हवाले से और कुछ जो इस वक्त इंटरनेशनल अरीना में जो कुछ पक रहा है उसके बारे में बात करना चाहूंगा हमारे बिलखसूस रीजन के अंदर। मेरी मादरे मिल्लत के खासकर जिस तरह आपने शुरू में कहा है कि लाचारगी और बेचारगी नजर आ रही है और इस तरह कौमें या कंट्रीज चल नहीं पाते। मेरे ख्याल में चल तो हम वैसे भी नहीं रहे, हम रींग ही रहे हैं 76 ईयर से रींग रहे हैं और शर्म हमें अभी तक नहीं आती। देखें, शायद आने वाले दिनों में कुछ आ जाए। सबसे पहले तो चीमा साहब, जब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, आर्मी ऑफिसर और उसके भाई पुलिस ऑफिसर को उठा के ले जा चुके हैं और उनकी वीडियो जो इस वक्त वायरल है, इसी माहौल के अंदर इंडिया ने अपनी सबमरीन लॉन्च कर दी है अग्निघात। पहली तो बात इस चीज पे करूंगा, आपके पड़ोस के अंदर ही ये चीजें हो रही। यूएई के अबू धाबी के किंग जो है, खासकर वो भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं सर्कमस्टांसिस के अंदर देखा जाए तो साथ ही हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं, वहां से 3 खिलाड़ी और फिजियोथेरेपिस्ट भाग गए हैं और उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया है, जिनके नाम जो है वो मुर्तजा याकूब हैं, इत्शाम असलम हैं, अब्दुल रहमान हैं। ये तीनों के तीनों वहां से भाग कर हॉलैंड में जाके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर लिया। मेरा यहाँ पे खासकर मैं ये कॉमेडी देना चाहूंगा, खुदारा, एक तो क्रिकेट की आपकी तारीखी शिकस्त 10 विकेटों से बांग्लादेश के हारने के बाद, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट टीम को डिसअसेंबल कर दिया जाए, कौम का खर्चा बचाया जाए और ये क्रिकेट का ड्रामा बंद कर दिया जाए। दूसरा, खिलाड़ी बाहर ना भेजा करें, कौम के खर्चे पे आप टिकट देकर भेजते हैं और वहां पे वो पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करते हैं। पहले जापान के अंदर आपकी स्विमिंग टीम गई थी, वहां के कई खिलाड़ी भी वापस नहीं आए। आप अपने मुल्क से बाहर जाने की सलाहियत नहीं रखते, प्लीज कोशिश करें कि कौम का खून पसीने के जो टिकट आप खरीदते हैं आप उस पर उससे इज्तनाब करें। तीसरी, अगली बात, चौथा पॉइंट जो मैं इस पे बोलना चाहूंगा, खान साहब, मुर्शद पाक ने जहां पे तीन दफा उनका अमला चेंज हुआ है, वो अपना पेशेंस लूज करते नजर आ रहे हैं। वहां एक पुलिस वाला DSP था, उसके साथ अगले दिन बदतमीजी की हद तक गए और अदालत में उन्होंने 4 दरखास्तें दी हैं, जिसमें एक दरखास्त ये थी कि मेरे बच्चों को मुझसे बात नहीं कराने दी जाती। तो जब उनसे पुलिस वालों से पूछा जज ने कि इनकी बात क्यों नहीं कराते, उन्होंने कहा जी हम बात कराते हैं, इनके बच्चे फोन ही नहीं उठाते। तीसरा, उससे आगे हम चलेंगे जो खासकर सियासी और जब दूसरे हालात देखे जा रहे हैं, कल परसों से बड़ी ये खबर आ रही है कि इंडिया के अंदर जो ट्रेनों को डीरेल करने के लिए हमारे एक फरतुल्ला गौरी साहब हैं, उन्होंने दरखास्त की है कि मेरे जो सपोर्टर भारत के अंदर हैं वो इंडिया की ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश करें, जो कि मैं और टेलीग्राम पर यह खबर आई है, तश्वीशनाक है। फरतुल्ला गौरी साहब को फौरन पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आप कौन होते हैं इंडिया की ट्रेनों को डीरेल करने के लिए। अपने मुल्क पर पहले तवज्जो देने की कोशिश करें कि जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर है और उसके पुलिस भाई, एक उसके भाईजान है जो SHO है पुलिस के, मेरे ख्याल SHO ही होंगे, हो सकता है कांस्टेबल भी हो, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। चीमा साहब, उनको जब वो ले जा चुके हैं, इस वक्त उनकी वीडियो वायरल है और वो मिनते तरले कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मुतालबात को मान लिया जाए। आई बिलीव दिस इज एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, वी कैन नॉट शाय अवे फ्रॉम दैट। ये कहना
कि जी हमारी नाकामी नहीं हुई। एलओसी पर चुपचाप पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी के 30 से 40 लोग, नियंत्रण रेखा पर शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन। भारतीय सेना ने देखा तो कर दी फायरिंग, फिर दौड़ पड़े पाकिस्तानी। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये एलओसी पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाइना पहले ही आपसे नाराज है, चाइना आपसे बार बार सिक्योरिटी मांग रहा है। एज वी स्पीक पिछले कितने दिनों में मस्तशुदा लाशें मिली हैं। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में निर्माण किया जा रहा था वो आतंकियों की घुसपैठ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला, तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है। क्या करेंगे लोग, हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए। दोस्तों यहां से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन ने आवाम को माली तौर पर पावरलेस कर दिया है। IMF के पिछले कर्ज की शरायत पूरी नहीं होती कि अगला प्रोग्राम और उसकी शरायत का बवाल खड़ा हो जाता है। क्या 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा। नमस्कार दोस्तों, अब सबको पता होगा LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल की, जो अभी जिसने जो कंट्रोल करके रखा है वो वहीं पर बैठा है, ठीक है। और उसमें कोई डेफिनेटली बफर एरिया भी होगा कि इस एरिया तक आप नहीं आ सकते, इस एरिया तक हम नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले दिनों चाइना जैसी ट्राई मतलब कि उसने ऐसा करने की कोशिश की कि भाई हम भी वहां पर जाकर कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। अब वहां पर 30 से 40 पाकिस्तानी आर्मी के लोग विथ वर्कर्स आ गए, लेकिन जैसे ही इंडिया के 4-5 जवान वहां पर गए, क्योंकि पेट्रोलिंग तो होती रहती है, तो जैसे ही वहां पर गए सीधा भाग खड़े हुए पाकिस्तानी आर्मी के लोग और वो जो वर्कर्स थे। वो कहने की बात यह है कि जब छुप छुप के आपको ऐसा काम करना है तो भी करते ही क्यों हो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो थोड़ा पीछे चले जाओ, बफर एरिया को छोड़ दो और वहाँ पर जाकर कंस्ट्रक्शन करो। देखिए पाकिस्तान की आर्मी के साथ फिलहाल LOC पर बहुत सारी जगह पर अभी शांति चल रही है, लेकिन आप ये समझ कर बैठिए कि जितनी भी शांति है ना आने वाले दिनों में उससे ही ज़्यादा बड़े बड़े कोहराम होने वाले हैं। और पाकिस्तान इसीलिए शांत बैठा है क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स उसकी बहुत ही गंदी चल रही है। यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। टेढ़ा सा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में रिपोर्टिंग आई है, पाकिस्तान की तरफ से LOC के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये LOC पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि LOC पे नॉर्मली इस तरह की मूवमेंट होती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहता है दोनों तरफ से, फायरिंग शेयरिंग भी हो, लेकिन ऐसे क्लोज अप्रोचेस LOC के जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके पास नॉर्मली नहीं होती है। सो एक नई डेवलपमेंट है। देखिए बांडीपुरा सेक्टर के आसपास यहाँ पर LOC के आसपास पाकिस्तानी एक बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंटेलिजेंस जो आई उसके हिसाब से पता चला कि भाई 30 से 40 पाकिस्तानी वहां पर सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके उस तरफ अप्रोच कर रहे थे। जब वो वहां पर अप्रोच कर रहे थे हमारे को, जैसे जिस तरह से इंटेलिजेंस थी, हमारी फोर्सेज ऑलरेडी रेडी थी वहां पर, एंड उन्होंने उनको वार्निंग करा कि भाई इस तरफ मत आओ। एज पर जो एक अग्रीड ड्रिल है दोनों कंट्रीज के बीच में, अग्रीड ड्रिल ये कहती है कि भाई जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो एक रेड फ्लैग दिखाया जाता है वेयर दी अदर साइड इज फीलिंग थ्रेटन्ड, एंड दो जो पहली साइड होती है जो एक्शन ले रही होती है उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया नेक्स्ट अभी एक्शन ही कुछ गोली वोली चलेगी। इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी उसको बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला। और ये नॉर्मली वार्निंग शॉट्स होते हैं, इज नॉट टारगेटेड शॉट्स, तो उनके आसपास कहीं गोली वोली चलाते हैं वो, तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। नाउ ये चीज हमको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भाई JNK में वैसे भी अभी इलेक्शन का टाइम है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ट्राई और कोशिश करती रहेगी। क्या 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा। आरजू, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मुझे एक वो लतीफा याद आ गया कि एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फर्ज करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं और आपसे एक साल तक लड़ाई ना करूं, तो इसके ऊपर ना शौहर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा क्या हुआ है, तो कहने लगा मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा।
ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल अशफाक परवेज कियानी का दौर आया था तो बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस लगी थी कि जनाब ISI का पॉलिटिकल विंग खत्म कर दिया गया है, आइंदा से किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये एतराफ किसी दूसरे मुल्क में किया जाता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिवायात के कोई वो है। और दूसरा, बाजवा साहब ने एक और बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हमने इंस्टीट्यूशनली फैसला कर लिया है कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे, और साथ उसी तकरीर में कह रहे हैं कि हमने अस्करी सिफारतकारी की। यानी वो अस्करी सिफारतकारी से मुराद ये है कि कभी मैंने शाह सलमान से मुलाकात की, उनसे जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, कभी मैंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, उनसे जाकर पैसे के लिए मांगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अस्करी सिफारतकारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, और जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं तो आप पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे नहीं होंगे, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपसे वादा लेती है कि आपने नेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है। अगर तो मैं मान लूंगा जनरल आसिम मुनीर से कोई जापान का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, लेकिन आज आप देखें कि उनकी जो आज स्टिक की पकड़ाने की तकरीब हुई है ग्राउंड में, उसमें गैर मुल्की सफीर भी खड़े हुए थे, उसमें मिलिट्री अताशीज भी थे। आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को ओहदा बदलते हुए देखा है? मुझे जनरल बिपिन रावत ने जब जनरल नए आर्मी चीफ को दिया था तो एक ऑफिस में खड़े होकर स्टिक उन्होंने पकड़ाई थी, तस्वीर खींची, दैट्स इट। और जो पॉम्प एंड शो हमने आज देखा है, जो पॉम्प एंड शो हमने आज देखा है, वो एक सरकारी अफसर की तब्दीली है, और उसको पूरे पाकिस्तान में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। मुझे नहीं लगता कि फौज जो है उसने माजी की गलतियों से कोई सबक सीखा है, जिसका मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल आजम सवाती का दोबारा से उठाया जाना है। आरजू बिल्कुल, लेकिन अब आगे होगा क्या? आजम स्वाति साहब को मतलब छोड़ देंगे या वही सॉफ्टवेयर अपडेट जो किया जाता है वो होगा? साथ साथ कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एसेट्स की भी बात हो रही है, और अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट भी आई है, उस पर क्या कहेंगे? और इससे पहले हम आसिम सलीम बाजवा की रिपोर्ट भी देख चुके हैं जो उन्ही जर्नलिस्ट की बनाई हुई है। बात है कि बार बार रियासत मदीना की बात की जाती है, बार बार इमरान खान का तो ये एक टैग लाइन है, बार बार इस्लामी रिवायात की बात की जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस्लामी रिवायात में आप खलीफा से चादर का हिसाब तो ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को असर्टेन किया है कि आप सिपा सालार से और काजी से उसके असासों का हिसाब नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता इस बात में कि अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट में किस हद तक सदाकत है, वैसे तो वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए कि अहमद नूरानी साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन बारे सबूत उसके ऊपर है जो इस बात का दावा करे। India's simultaneous active membership in both the Quad and the BRICS, and for that matter, the Shanghai Cooperation Organization. We can chew gum and walk at the same time. All right, but वहाँ एशिया सोसाइटी में गए हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है। जो एशिया सोसाइटी से एड्रेस किया है जयशंकर जी ने, जो डॉक्टर जयशंकर हैं, आपको पता है कि वो ऑथर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं वो उनका जो एक्सपीरियंस है 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ये मैटर है हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी का, ये मैटर है हमारी इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट पीपल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी का। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर टॉक्स व्हेन ही टॉक्स विद द वेस्टर्न मीडिया। बहुत से लोग हमें पूछे जा रहे हैं कि आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में कर क्या रहे हैं। मोदी जी की यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज तो सबको मालूम ही है, बल्कि वो तो वापस भी जा चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले बिना ही, डिफॉल्ट हुए हुए, और उसके बाद उससे निकल कर फिर IMF के पास जाने तक, और कशकोल पकड़कर IMF के सामने लोन मांगने तक। कोई भी मुल्क IMF के पास तब जाता है जब कोई चैलेंजिंग या क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है। पाकिस्तान IMF की ट्रेडमिल पे ये 24वीं दफा है।
कैन यू इमेजिन, यानी जो आप टीवी पे बैठकर बात करें उसका लेवल ही आप देख लें। नमस्कार दोस्तों, अब मोदी जी का एक और अलग चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो राजनाथ सिंह अगर आप कहो तो उतने हमें प्रभावी या फिर कहीं इम्पैक्ट छोड़ते हुए नहीं दिखते। अगर आप दूसरे अश्विनी वैष्णव अगर देखो, पीयूष गोयल देखो, इतने इम्पैक्ट छोड़ के नहीं दिखते हमें, ठीक है, वो उनका काम दिखता है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी अगर जिस तरीके से देखो तो नहीं होता है। नितिन गडकरी साहब का अगर आप एग्जाम्पल एक तरफ देखो, अगर उनको कंसिडर ना किया जाए, क्योंकि वो भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तो जयशंकर साहब एक ऐसे जो पॉलिटिशियन है वो बनकर उभर रहे हैं, हालांकि वो पॉलिटिशियन थे नहीं, ठीक है, वो डिप्लोमेट ही रहे, लेकिन इस तरीके से उभरते हुए दिख रहे हैं कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक अलग लेवल की चल रही है। अब जैसे मान लीजिए उनका एक बहुत ही फेवरेट एक सेंटेंस था जो कि बहुत ही वायरल हो गया, और वो किसी यूरोपियन पत्रकार को ही ये इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप ये समझता है कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, लेकिन बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। ये जो चीज़ है ना, यूरोप मानकर बैठा है, यही सबसे बड़ी गलती है। तो अगर दुनिया के दूसरे देश अगर उभर रहे हैं तो उनको ये कंसिडर करना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जयशंकर साहब ने कैसे इस पत्रकार को चुप करवाया, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है कि ये मैटर है नेशनल डिग्निटी का कि हम जहाँ से मर्जी ऑयल खरीदें, ये मैटर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये मैटर है हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी का, ये मैटर है हमारी इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट पीपल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी का। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर टॉक्स व्हेन ही टॉक्स विद द वेस्टर्न मीडिया। जो डॉक्टर जयशंकर हैं, आपको पता है कि वो ऑथर हैं, डॉक्टर जयशंकर, उनके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं वो उनका जो एक्सपीरियंस है 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस की फॉरेन पॉलिसी, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस और वहाँ की जो एजुकेशन है वो आप जानते हैं, और पाकिस्तान की एजुकेशन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, और जो एक्सपीरियंस और ख़ासतौर पर जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप जानते ही हैं जी। तो जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी किताब है द इंडिया वे, और दूसरी किताब है वाई भारत मैटर्स। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, यानी अगर आप एकेडमिक्स में देखें तो किताब लिखना होता है। मैं देख रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कितनी किताबें लिखी हैं, उनको पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑक्सफोर्ड में जाकर कोई डिबेट करते हैं तो उसके ऊपर आपकी कितनी काबिलियत है किसके सामने। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, मसला ये है कि डॉक्टर जयशंकर जितनी देर ऑक्सफोर्ड में बैठ कर ख्वाजा साहब आपसे डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उतनी देर में आप सोचें कि वो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स जो हैं कितने कंट्रीज़ में जाकर कराएंगे। दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक डिफ़ॉल्ट के करीब, बल्कि पता नहीं कितनी ही बार डिफ़ॉल्ट हुए और उसके बाद उससे निकलकर फिर आईएमएफ के पास जाने तक और कशकोल पकड़कर आईएमएफ के सामने लोन मांगने तक, अरब कंट्रीज से जितने बिलियन डॉलर्स लोन मांगा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो अगर आप इसको मुहावरतन कहें तो उतने बिलियन डॉलर्स तो डॉक्टर जयशंकर मोदी साहब के सर के ऊपर से वार देते होंगे। कुछ ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और कम इसी तरह करते कि इतने बिलियन डॉलर्स तो जो है वो आम वो मतलब बांटते फिरते हैं लोगों में अपने बजट में, इतने बिलियन डॉलर्स अफ्रीकन कंट्रीज़ को दे दो, इतने बिलियन डॉलर्स अफ़गानिस्तान को दे दो, इतने बिलियन डॉलर्स तुम यमन को दे दो, किसको दे दो, बांग्लादेश को दे दो। भाई कितने बैठे हो तुसी ख्वाजा साहब, हामिद मीर साहब, ये क्या आपने सवाल कर दिया और क्या उन्होंने जवाब दिया है? यानी आपका ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर इतने फारिग बैठे हैं, फारिगुल फरूख बैठे हैं वो, कि वो आएंगे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपनी सारी मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स छोड़कर वो ऑक्सफोर्ड जाएगा, कहेगा देखें भाई, देखिए हमारे पड़ोसी हैं, तो देखिए पड़ोसियों की बात तो माननी चाहिए, पड़ोसी अगर मुबाहिसे के लिए बुला रहे हैं और उन्होंने आपको वहाँ पर डिबेट पर बुला कर बड़क मारनी है, वो कह रहे हैं बड़क शड़क मार देंगे, लेकिन डिबेट का मयार क्या होगा ये सुनने के साथ ही डॉक्टर जयशंकर को फौरी तौर पर टिकट कटा लेना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए इन्होंने तो बड़के मारनी है तो चलो चलते हैं, ज़रा बड़के शड़के सुनने का मज़ा ही ले लेंगे, हैं जी।
तो फॉरन टिकट कटा के उनको पहुंच जाना चाहिए ऑक्सफोर्ड। कैन यू इमेजिन, यानी जो आप टीवी पे बैठकर बात करें उसका लेवल ही आप देख लें क्या रख रहे हैं। इस पे तो आपको बड़े सीरियसली टॉक करनी चाहिए थी कि यार कश्मीर का मसला है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से कि प्लीज़ आप आइए ऑक्सफोर्ड। मैं आ रहा हूँ, आप क्यों नहीं आ रहे? आएँ, हम तो छोटे मोटे, बल्कि खारिज साहब को कहना चाहिए था, हम तो छोटे मोटे बंदे हैं, हमारा कंट्री तो आपका कोई मुकाबला थोड़ी, आप देखें। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप छोटे कंट्री के एक छोटे से मिनिस्टर के साथ बात करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। ये होती बात, हम आपको बताना चाहते हैं हम कश्मीर पे क्या स्टैंड रखते हैं। वो तो खैर आप बच्चा बच्चा बताता ही रहता है हर वक्त हर किसी को। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि ना ये ऑक्सफोर्ड में सबसे पहले जैसे ही डॉक्टर जयशंकर और ख्वाजा आसिफ की डिबेट शुरू होने वाली है उससे पहले ये अनाउंस किया जाए, और ख्वाजा साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहिए ऑक्सफोर्ड वालों से कि सर सबसे पहले जो है ना 20 मिनट्स हमने खामोशी इख्तियार करके एक टांग पर खड़े होना है कश्मीर में, जो कर दिया मोदी साहब ने। ये 370 का जो मामला हुआ है उसके बाद से हमने ये शुरू किया था कि जी हम हर जुम्मे को 20 मिनट के लिए ये किया करेंगे, तो हमने फिर वो छोड़ ही दिया क्योंकि कश्मीर हमारा बड़ा ही एक दुखती रग नहीं शहरग है। तो इतनी वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मसला था कि उसके बाद फिर हम भूल भाल गए, हमने खड़े होना भी छोड़ दिया हर फ्राइडे को। लेकिन अब क्योंकि ऑक्सफोर्ड है तो सबसे पहले तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि 20 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाए कश्मीर के मसले पर, फिर 20 मिनट्स के बाद जो है ख्वाजा साहब अपनी तकरीर शुरू करें या जो भी उन्होंने डिबेट स्टार्ट करनी है। तो ये है साहिबो, बस ऐसे ही है, इस पर हम क्या कहें। ये तो बस एक जिसे कहते हैं ना कि खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये इस मसले का मजाक उड़ाना है। इससे पता चलता है कि एक खिल्ली उड़ाने के मुतरादिफ है आपके लिए कश्मीर का मसला। इससे पता चलता है कि एक हंसी मजाक है, क्योंकि अभी तक इसको जो है हंसी मजाक के तौर पर ही लिया जाता है।